हजारीबाग पुलिस ने 5 बदमाशों को धरा है। इनके नाम सुलेंद्र गंजू, एरियल सिंह भोक्ता उर्फ एरियल गंजू उर्फ बबलू भोक्ता, राजेश गंजू उर्फ बंधन गंजू, सुनील यादव और प्रिंस कुमार सिंह बताए गए। हजारीबाग के बड़का गांव थाना के बलोदर गांव में लेवी के चक्कर में पक्की सड़क एवं पुल निर्माण का काम कर रहे लाल कंस्ट्रक्शन में कार्यरत जेसीबी को अज्ञात अपराधियों के द्वारा जलाने की कोशिश और फायरिंग की गयी थी। उक्त कांड में इन सभी बदमाशों की संलिप्तता पाई गयी। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 303 राइफल की गोलियां, 0.315 की 5 जिंदा धमकी में इस्तेमाल एक मोबाइल बरामद किया है। 14/3/2024 को रात्रि में बड़का गांव थाना अंतर्गत बलोदर एक गांव है, वहां पर पक्की सड़क और पुल का निर्माण चल रहा था। उस निर्माण कार्य में एक लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी लगी हुई थी, जिसका जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह उस रोड के कार्य के लिए रखे हुए थे। उसमें रात में कुछ लोग आए और उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेवी लेने डिमांड करने की वजह से। तो आग लगाने में सफलता उन लोगों को नहीं मिली, उन्होंने कुछ पोस्टर भी वहां पर चिपकाया और एक फायरिंग करके ये लोग वहां से भाग गए। इसी दरमियान हम लोग एक 69/24/15/3/24 को हम लोग बड़का गांव थाना क्षेत्र में बड़का गांव थाना में एक केस दर्ज किए थे। और उसके बाद एक हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव और थाना प्रभारी बड़का गांव भी थे। इसके द्वारा छापामारी लगातार की जा रही थी। सुलेंद्र गंजू और एरियल सिंह भोक्ता, ये 2 आदमी बलोदर से पकड़े गए, कन्फेशन लिया गया, उसमें एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग का उसमें भूमिका है। उनके निशानदेही पर हम लोग 3 आदमी को और गिरफ्तार किए, जिसमें राजेश गंजू जो बलोदर से ही गिरफ्तार हुआ था, सुनील यादव और कोडरमा से गिरफ्तार हुआ था, प्रिंस सिंह जो कोडरमा से गिरफ्तार हुआ था। कुल हम लोग 5 आदमी को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 हथियार भी बरामद हुआ है, कुछ गोलियां बरामद हुई है। और जो फोन से बराबर ये धमकी दिया करते थे, वो फोन और उसका सिम वगैरह हम लोग जब्त किया है।